हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, रोमानिया जो कि पहले से ही एक यूरोपियन यूनियन का मेंबर है और बहुत जल्दी शेंगेन कंट्रीज़ का भी हिस्सा बनने जा रहा है। अभी तक तो आपको ये पता चल ही गया होगा कि अब ये पब्लिक हो चुका है कि बहुत ही जल्दी रोमानिया जो है शेंगेन जोन को ज्वाइन करने वाला है। फ्रेंड्स, इससे पहले भी हमने बहुत सारी सक्सेसफुल स्टोरीज़ शेयर की हैं उन कैंडिडेट्स की जो कि रोमानिया गए हैं कॉन्ट्रामेंटर्स के थ्रू, राइट? आपको पता ही है कि कॉन्ट्रामेंटर्स जो है एक गवर्नमेंट ऑथराइज्ड रिक्रूटमेंट एजेंसी है। देखिए, हर ब्लॉग में मैं इस बात को क्यों बोलता हूँ, देखिए बहुत सारे लोग जो हैं आज की डेट में टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन डंप कर रहे हैं यूट्यूब पर। अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। आपको ज्ञान जहाँ से मिले आपको ले लेना चाहिए, लेकिन ज्ञान कहीं से भी लें, जब आप माइग्रेट हों तो ध्यान रहे कि आप एक भारत सरकार से रजिस्टर्ड पंजीकृत लाइसेंस होल्डर एजेंट के थ्रू ही जाएं। वो कॉन्ट्रामेंटर्स ललित भदौरिया हो सकता है, वो कोई और भी हो सकता है, राइट? बट ध्यान रहे कि अगर आप एक जेन्युइन कंसल्टेंसी के थ्रू माइग्रेट करेंगे तो आपको आगे भी वो असिस्ट कर पाएंगे, राइट? देखिए, अगर कोई कंसल्टेंट आपको ये बोलता है, देखिए मैं आज रोमानिया घूमने गया था, आज मैं यहाँ गया था, आज मैंने यहाँ पर मीटिंग किया, आज मैंने यहाँ सेमिनार किया, ये कोई भी कर सकता है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बड़ा चीज़ क्या है, अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप उस देश की एम्बेसी से बात कर सकते हैं। आपके किसी कैंडिडेट को दिक्कत है तो उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये मेरा आपसे एक निवेदन था, राइट? अब आने वाले दिनों में हम आपके साथ रोमानिया की बैक टू बैक बहुत सारी ओपनिंग शेयर करने जा रहे हैं दोस्तों। अगर आपका प्रोफाइल इनमें से किसी भी सेक्टर का है तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप अपना PCC इमीडिएटली अप्लाई कर लें रोमानिया के लिए। हम आपसे कोई एडवांस तब तक नहीं पकड़ेंगे, आपसे कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी तब तक नहीं लेंगे जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए, राइट? मतलब पैसे का बात तभी होगा जब आपको सब समझ आ जाएगा, आपका प्रोफाइल मैच होगा। लेकिन देखिए, प्रॉब्लम क्या आती है इंडिया में, आपको पता है, क्योंकि हमारा एक विशाल देश है, भारत एक बड़ा देश है, तो हर एक राज्य का, हर एक यूनियन टेरिटरी का जो प्रोसेस है PCC का, उसमें काफ़ी वेरिएशन आता है, भिन्नता है। किसी राज्य में कम समय लग रहा है, किसी राज्य में ज़्यादा समय लग रहा है। अब जब अचानक से डिमांड आता है, आप जाना भी चाहते हैं, आपको हम पर विश्वास भी है, राइट? आपको सब कुछ पता है क्योंकि आप ऑलरेडी रिसर्च करके बैठे हैं, लेकिन आपका PCC रेडी नहीं है। क्लाइंट हमें इतना टाइम देता नहीं है कि आपका सिलेक्शन करा दें, ऑफर लेटर आ जाए, उसके बाद एक महीना लग रहा है PCC का, तो तब तक वो अपॉर्चुनिटी जो है आपके यहाँ से निकल चुकी होती है। तो बड़ा सिंपल सा मैसेज है, रोमानिया का बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर हम आपके साथ रिक्वायरमेंट शेयर करने वाले हैं आने वाले दिनों में। करंटली इस ब्लॉग में भी मैं आपके साथ कुछ ओपनिंग शेयर कर रहा हूँ, कुछ सेक्टर्स की भी मैं बात करूँगा, कुछ डेजिग्नेशंस की बात करूँगा। तो आप लोग इस ब्लॉग को अगर भारत से देख रहे हैं या फिर किसी और गल्फ कंट्री से देख रहे हैं, राइट, आपको पता है दुबई में कॉन्ट्रामेंटर्स रजिस्टर्ड है और हम लोग अब रोमानिया की फाइल्स जो हैं दुबई से भी उठाना स्टार्ट करेंगे, राइट? दुबई के अंदर जो है PCC बहुत जल्दी बन जाता है। तो किन सेक्टर्स के लोग जो हैं अप्लाई कर लें अपना PCC, राइट, और हमसे बात करें, स्पेशली कंस्ट्रक्शन सिविल से रिलेटेड जो लोग हैं, मान लीजिए आप क्रेन ऑपरेटर हैं, आप मेसन हैं, राइट, आप कारपेंटर हैं, आप इलेक्ट्रिशियन हैं, आप वेल्डर हैं, और आपके पास UAE का जो एक्सपीरियंस है वहाँ पर भी सेम आपका एमिरेट ID बना हुआ है, राइट? और गल्फ से रोमानिया के लिए फ़िलहाल मैं सिर्फ इंडियन नेशनल्स का ही काम करूँगा, सिर्फ रोमानिया के लिए। कुछ और शेंगेन कंट्रीज़ का हो सकता है कि मैं कुछ और नेशनलिटीज़ को भी हाँ बोल दूँ, क्योंकि हमें एम्प्लॉयर से परमिशन लेना पड़ेगा। फ़िलहाल जो है रोमानिया के लिए जो हम फाइल्स उठाएंगे, या तो हम भारत से उठाएंगे भारतीयों की, और हम उनको इंडिया से प्रॉपरली एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर भेजेंगे। अगर हम गल्फ से कुछ फाइल उठाएंगे रोमानिया के लिए, तो प्लीज़ मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर लूँ, फिलहाल हमारे सिर्फ भारतीय भाई ही हमें संपर्क करें, राइट? नौ बहनें भी संपर्क कर सकती हैं, कुछ ओपनिंग्स ऐसे ही हैं जहाँ पर फीमेल्स भी रिक्वायर्ड हैं, सो इवन सिस्टर्स कैन कॉल अस, राइट? अब भी आपने करना क्या है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं फिलहाल आपको इंडिया के कॉन्टैक्ट नंबर्स दे रहा हूँ। आपको पता है गल्फ और इंडिया में 1.5 आवर का डिफरेंस है, तो आपने जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, तो आपने करना क्या है, IST जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है उसके हिसाब से आपने हमें कॉल करना है, मतलब भारत के 10 बजे से लेकर 6 बजे तक, राइट? मतलब आपका दुबई का जैसे ही 4:30 बजे का ना, समझ लेना हमारा ऑफिस क्लोज हो गया है, अब आपने फिर अगले दिन कॉल करना है, क्लियर हुआ? आप हमें कॉल कर लें इंडियन नंबर्स पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हमें अपने डॉक्यूमेंट्स को ईमेल कर सकते हैं HR@contramentors.com, डिस्क्रिप्शन में लिख कर दे रहा हूँ मैं आपको ईमेल एड्रेस, राइट? अब जितने भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे, जितनों का प्रोफाइल हमें सही लगेगा, राइट, मैं आपसे गूगल मीट पर बात कर लूँगा। और जब भी मैं दुबई आऊँगा, आपको पता है हर महीने मैं 2-4 दिन के लिए दुबई आता हूँ, और मैं उन लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग आ जाइए मिलने के लिए, तो हम लोग एक म्यूचुअल अपॉइंटमेंट बुक कर लेंगे जहाँ पर फेस टू फेस आप मेरे से बात कर सकते हैं, अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? बट हमेशा की तरह कॉन्ट्रामेंटर्स आपको हमेशा गाइड करेगा जेन्युइनली एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर। और देखिए, आपने देखा होगा कि मैं
फ्री का ज्ञान बहुत कम पेलता हूँ यूट्यूब पर आकर ना, कि ये नया आ गया है, अब ये ऐसा हो गया, फाइलिंग ऐसा करो। आप बस अपना काम करिए, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए, राइट, बाकी का काम हमारा है, राइट। कभी भी कोई सर्जन या लॉयर आपने देखा है जो पब्लिक में आके बोले कि अभी सर्जरी में ये नया औजार आया है, अब मैं सर्जरी ऐसे करता हूँ? यार सर्जन अपना काम करता है, पता नहीं लोग क्यों इतना फालतू का ज्ञान पेल रहे हैं, राइट। एनीवेज, सो फ्रेंड्स, अभी हमें इमीडिएटली कुछ ओपनिंग्स हैं जो हमें अर्जेंसी में चाहिए। इसमें क्या है, ट्रैक्टर ड्राइवर्स, हमें कुछ ट्रैक्टर ड्राइवर्स चाहिए। अगर आपको ट्रैक्टर चलाना आता है तो आपको एक वीडियो भेजना पड़ेगा। हमें कुछ वुड वर्कर्स चाहिए, मतलब जो लकड़ी का काम कर सकें, राइट। जैसे आपको मैं सिंपली बताऊं तो ये अनस्किल्ड जॉब है लकड़ी वाला, वुडन, जहाँ पे वुडन लॉक्स होती हैं। मैं कुछ वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा जब आप लोग कॉल करेंगे। तो इस तरह के कैंडिडेट जो कि यू नो जनरल वर्कर में जाना चाहते थे, या फिर वो लोग जो कि वेयर हाउस वर्कर में जाना चाहते थे, तो उन लोगों के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है, राइट। हम आपको वीडियो भेजेंगे, सैंपल वीडियो भेजेंगे कि क्या काम है, कैसे आपको करना है, आप लोग देख लें। अगर आपको समझ आता है तो इमीडिएटली पीसी से अप्लाई करें, हमारी टीम से बात करें। इसके अलावा हमें कुछ कारपेंटर्स चाहिए। अब देखिए, वुड वर्कर और कारपेंटर में डिफरेंस है दोस्तों। कारपेंटर तो एक स्किल हो गया ना, स्किल्ड लोग हो गया जिन्हें कारपेंटर का काम आता है। अगेन कारपेंटर्स का क्लासिफिकेशन होता है, राइट, ये फर्नीचर कारपेंटर है यू नो, या किस तरह का है। आप अपना प्रोफाइल भेजेंगे तो फिर हम आपसे बात कर लेंगे, राइट। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको इस ब्लॉग के स्टार्टिंग में बताया कि डिफरेंट सेक्टर्स के, चाहे वो होटल मैनेजमेंट हो, होटल मैनेजमेंट में आपको पता है यूरोप में अधिकतर जो है कुजिन कौन सा चलता है, क्वांटी चलता है, राइट, ओरिएंटल ये सब भी चलता है। चाइनीज़ की भी कुछ वैकेंसी आती है, कभी कभी इंडियन की भी आती है। तो जो मल्टी कुजिन या ओरिएंटल या यू नो क्वांटी कुजिन के हैं, उन लोगों के लिए हमेशा वैकेंसीज रहती हैं, ना सिर्फ रोमानिया, इनफैक्ट बुल्गेरिया के लिए भी आप कर सकते हैं। बुल्गेरिया की भी बैक टू बैक हमारे पास ओपनिंग है। अगले ब्लॉग में मैं बुल्गेरिया की बात करूंगा, और बुल्गेरिया का भी सेम ही फैक्टर है, राइट। बुल्गेरिया भी शेंगन में आने वाला है, बुल्गेरिया भी यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, और बुल्गेरिया के लिए भी कॉन्ट्रामेंटर्स ने पिछले कई महीनों में कई सारे कैंडिडेट्स को मेंटोर किया है। अब जाके हमारे टेस्टिमोनियल्स देखिए दोस्तों, राइट। हम लोग काम करके देते हैं, प्रॉपर एग्रीमेंट करते हैं, वी टॉक लिमिटेड, यू नो, हम बहुत प्रिसाइजली और काम की बात करते हैं। ये ओपनिंग है, ये क्राइटेरिया है, इतना टाइम लगेगा, इतना खर्चा लगेगा, ऐसे ऑफर लेटर मिलेगा, ऐसे एग्रीमेंट होएगा, एंड वी डू इट। तो आर रिजल्ट्स स्पीक, ओके। तो फ्रेंड्स, ये था रोमानिया का ओपनिंग, आपको समझ आ गया होगा। अगर इसके अलावा आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वर्किंग आवर्स में हमारी टीम को कॉल करें, राइट। जो लोग गल्फ से कॉल करेंगे, प्लीज़ ध्यान रहे कि आप जो है इंडियन वर्किंग आवर्स के हिसाब से कॉल करें। हमारे इंडिया के जो वर्किंग आवर्स हैं वो हैं 10 AM to 6 PM मंडे टू सैटरडे। भूलें, टेलीग्राम पर भी हमारा ऑफिशियल चैनल है, राइट, तो वहाँ पर भी आप हमारे अपडेट्स देख लें। कोई भी क्वेरी हो आपके मन में तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। कुछ क्रिटिकल मैटर होगा, मान लीजिए आपका पहले रिफ्यूज़ल हुआ है, या कुछ आप को यू नो कुछ क्वेश्चंस हैं आपका फ्यूचर को लेकर, तो आप मेरे साथ गूगल मीट पर अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं, राइट। बट ध्यान रहे कि आपका क्वेरी जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप क्या पूछना चाहते हैं, क्यों पूछना चाहते हैं। आपका समय भी कीमती है और हमारा भी समय कीमती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं पैसा नहीं लेता बात करने का, मैं तभी पैसा लेता हूं जब मैं आपका काम करता हूं, ठीक है। एनीवेज, बट इफ़ यू वांट टू स्पीक टू मी, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट, राइट। बट आप को जेन्युइनली बताना पड़ेगा हमारी टीम को कि आपका क्वेश्चंस किस तरह के रहने वाले हैं, प्रॉब्लम्स आपके क्या हैं, जैसे कि 5 मिनट 10 मिनट में मैं रिजॉल्व कर सकूं आपके प्रॉब्लम्स को। कुछ ऐसा होगा जो मेरी नॉलेज से बाहर होगा, तो उस पर्टिकुलर कंट्री के जो इमिग्रेशन लॉयर्स होते हैं, कंसल्टेंसीज होते हैं, हम उनको भी आपका केस फॉरवर्ड कर सकते हैं दोस्तों। इज दैट क्लियर? सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।